Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Brothers and sisters, welcome to another episode of 3 Questions, 3 Answers. I am Raja Ziaul Haq. Okay, the question number one that we have for today is Islam rational or is it blind following? Bada interesting sawal. Islam kya rational hai? Kya hamari akal aur soch ke saath uska taluq hai? Ya wo blind following hai, andhi taqleed ka naam hai? Actually, Islam is a bit of both. हम कहते हैं कि शुरू के पोर्शन में जब हम अल्लाह ताला तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस जुस्तजू में होते हैं उस टाइम तक इस्लाम इज एक्सट्रीमली रैशनल. अल्लाह सुब्हान ताला खुद कुरान मजीद में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अफला ताकिलून, क्या तुम्हारी अकल नहीं है? वमन यतफक्करून, वो जो गौर करते हैं, जो फिक्र करते हैं. अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अल्लाह सुब्हान ताला कंटीन्यूअसली आस्क यू द क्वेश्चन कि गौर व फिक्र करो, समझो बात को. इसी तरह आता है अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलकत, क्या तुमने देखा नहीं हमने ऊंट को कैसे पैदा किया? व इलस समाई कैफा रुफियत, और हमने आसमान को कैसे उठा दिया? सो अल्लाह सुब्हान ताला इज कांस्टेंटली आस्किंग अस टू इन्वेस्टिगेट, टू लुक अराउंड, टू एक्सप्लोर, टू सीक, टू डिस्कवर एंड टू यूज आवर इंटेलेक्ट. व्हाई? सो दैट वी कैन रीच अल्लाह सुब्हान ताला, ताकि ये बात हम पे वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह की जात है और हमें अल्लाह की इताअत करनी चाहिए. जिस तरह एक बदू से पूछा गया कि हमने अल्लाह को नहीं देखा तो हमें कैसे पता कि अल्लाह ताला की जात है कि नहीं, तो उस बदू ने जवाब दिया कि क्या तुमने सहरा में कभी ऊँट के निशान देखे? तो उन्होंने कहा हाँ, निशान तो देखे हैं. तो उन्होंने कहा लेकिन कभी ऊँट को नहीं, वहाँ पे ऊँट को नहीं देखा होगा लेकिन निशान देखे हैं. तो बेशक तुमने ऊँट को ना भी देखा हो, उसके पाँव के निशान देख के आप ये लाजिमी बात कह सकते हैं कि यहाँ से लाजमन ऊँट ही गुजरा होगा. तो इसी तरह से हमने अल्लाह को चाहे ना देखा हो लेकिन चूंकि अल्लाह की निशानियाँ को हम देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो वी बिलीव फर्मली दैट अल्लाह सुब्हान ताला एग्जिस्ट. नाउ ये जब बात प्रूव हो जाए कि अल्लाह की जात है, अल्लाह वादुल शरीक है, उसके बाद जो अल्लाह का हुक्म होगा उसके बारे में हम क्या कहेंगे? समयना व अताना, हमने बात सुनी और हम उसको मानते हैं. अल्लाह सुब्हान ताला अब इसके बाद जो हुक्म देंगे वो बात माननी पड़ेगी. हम अल्लाह को भी मानेंगे और अल्लाह की भी मानेंगे. तो अब अल्लाह ताला हुक्म दें कि अब आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अब हम अपनी अकल नहीं संभाल कर सकते कि नहीं जी 5 वक्त की क्यों, 6 वक्त की क्यों नहीं हो सकती, 4 वक्त की क्यों नहीं हो सकती, हफ्ते में 1 दफ़ा क्यों नहीं हो सकती. देखें अल्लाह ने 5 वक्त कह दिया हमारे लिए, इसके ऊपर हम लोग ब्लाइंड अडेरेंस करेंगे इंशाल्लाह और हम इसको फॉलो करेंगे जो हुक्म हुआ. हमें कहा गया नमाज का तरीका क्या है, सबसे पहले अल्लाह अकबर है, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई और सूरह पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, सुजूद में जाएंगे. तो अब एक बंदा कहे नहीं जी मैं लॉजिकली सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नमाज हमें शुरू करनी चाहिए सलाम के साथ. तो हम सलाम से शुरू करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पहले ज़रा यानी एंजल से हाल चाल पूछ लें, उसके बाद चूँकि सजदा बड़ी अच्छी इबादत है सीधा सजदे में चले जाएंगे और फिर उसके बाद बाकी ऐसे हम नहीं कर सकते. अगर नमाज का तरीका बता दिया गया है देन दैट्स वॉट वी आर हैप्पी विद इंशा ताला. तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन दैट इस्लाम इज बोथ rational in its beginning and then it's also adherence to Allah subhanahu wa ta'ala and the prophet sallallahu alaihi wasallam. Question number 2, is sawal mein jo questioner hai unhone hadith quote kiya hai, actually hadith qudsi hai jahan pe Allah subhanahu wa ta'ala farmate hain ki I am as my slave thinks of me, ki main waisa hi hu jaisa mera banda mere bare mein gumaan rakhta hai. Aur ye shakhs kehte hain ki मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा. यानी उनको कहने का मतलब यह है कि मैं जितना मर्जी गुनाहगार हो जाऊँ, मेरा अगर अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा है तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा. नाउ द थिंग इज़ के चूँकि ये हदीस बिल्कुल सही है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इब्न कय्यिम ने इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उन्होंने कहा कि अच्छा गुमान अल्लाह में ऐसा है कि इंसान मेहनत करे, कोशिश करे, स्ट्रगल करे टू गेट क्लोजर टू अल्लाह और फिर अल्लाह पर अच्छा गुमान करे. ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान काम ना करे और फिर अल्लाह पे अच्छा गुमान रखे. उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ी होगी और उसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी. उन्होंने कहा उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो ना ही जगह का इंतखाब करे, ना ही वहाँ पे बीज बोए, ना ही वहाँ पे कोई काश्तकारी करे, ना ही वहाँ पे कुछ भी करे और फिर सोचे कि अगले साल माशाल्लाह फसल बड़ी अच्छी आएगी. उन्होंने कहा ये शख्स बेवकूफ़ है. या एक शख्स जो है वो ये सोचता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं सारी उम्र शादी नहीं करूँगा, ना मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 साल में मेरे 5-6 बच्चे हो जाएंगे. उन्होंने कहा ये बंदा भी बेवकूफ़ और जाहिल है. या फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दी कि एक इंसान जो है वो सेब के बीज बोए ज़मीन के अंदर और एक्सपेक्ट करे कि माल्टे के दरख्त निकलेंगे. तो ऐसी बात है कि बेवकूफ़ाना है. हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में हम लोग मेहनत भी करते हैं और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह टीचर जो है वो मेरी अच्छी मार्किंग कर देगा. वो बंदा जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी ना करे, बिल्कुल फेलियर वाला उसका एटीट्यूड हो, गंदे मार्क्स ले और फिर सोचे कि नहीं टीचर बाय सम मीन्स मुझे अच्छे नंबर दे देगा, ये बेवकूफ़ाना बात होगी. तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा गुमान से बरात ये है आप अपना एफर्ट करें, यू डू द हार्ड वर्क, आप अपने इस्तेआत के मुताबिक पूरी कोशिश करें, उसके बाद ट्रस्ट अल्लाह सुब्हान ताला एंड अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए बेहतरी करेगा इंशाल्लाह. थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन क्वेश्चन किया गया है कि कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे रिज्क में इजाफा हो सके. एक वैसे तो कुछ दुआएं हैं, मैं आपको छोटी सी एक दुआ बताता हूँ. ये दुआ जो है आप सुबह फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ये दुआ मांगें. ये क्या दुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली दुआ सिखाई, इब्न माजा में हदीस आती है.
اللهم إني أسألك علما نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. کہ اے اللہ مجھے علم دے جو کہ بینیفیشل ہو, میرے مجھے رزق دے جو کہ طیب ہو, پاک ہو, حلال ہو, اور ایسے اعمال میں کروں جو کہ تو جن کو تو قبول کر لے. کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. انشاءاللہ یہ دعا فجر کی نماز کے فوراً بعد مانگ کریں, ایک دفعہ انشاءاللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو, نیک دعاؤں کو, تمناؤں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آئی ول سی یو آن دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف تھری کوشچنز تھری آنسرز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.